छोटे थे उम्मीद ही थी कि थोड़ा बहुत तो कुछ तो चलता, यहाँ वालों के लिए तो कुछ व्यवस्था होती, लेकिन कांवड़ मेला बंद होने से पूरा चौपट है। ये 2 साल तो यूं ही जा रहे हैं। मेलों से तो आस है यहाँ पे, बिगर मेले के तो यहाँ कुछ भी नहीं है। बिगर मेले को तो यहाँ कुछ भी नहीं, जब यात्री ही नहीं आएगा तो यहाँ वालों के लिए तो बहुत दिक्कत का काम है। भाई यात्री आएगा तो सबके लिए, चाहे छोटा व्यापार वाला हो चाहे कोई भी काम करने वाला हो, हरिद्वार में सिर्फ यात्री से ही काम चलता है। प्रतिबंध लगा देते, नुकसान तो है व्यापार का, बहुत बड़ा नुकसान है। उम्मीद थी थोड़ा सा कि कुछ कांवड़ मेले से कुछ उम्मीद जगाएंगे, लेकिन वो भी स्थगित कर दिया है। 4 धाम यात्रा स्थगित ही है, मतलब व्यापार तो हरिद्वार का पूरी तरह से चौपट है एकदम। कांवड़ का जो स्थगित करना भी एक चैलेंजिंग काम है। इसमें जो है विभिन्न तरह का जो है हम वहाँ पे प्लान करके कर रहे हैं। पहले हमारा जिले लेवल पे जो है हमने कहाँ कहाँ हमें ध्यान देना है, जैसा प्राइवेट वाहन से, निजी वाहन से जो यात्री आते हैं उनके लिए क्या SOP रहेगा, रोडवेज का माध्यम से आएंगे उनके लिए क्या SOP रहेगा, और जो है हमारा रेलवे से आएंगे उनके लिए क्या SOP रहेगा, उसको फाइनल करके जो उसी हिसाब से ड्यूटी का डिप्लॉयमेंट। और हरिद्वार में प्रसिद्ध स्थान जैसा आर्किपेडी वगैरह जो है, इसमें जो है क्या डिप्लॉयमेंट कैसा रहेगा उसी बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सो पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या क्या कार्रवाई करना है उसी बारे में प्लानिंग चल रही है।